नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। मैं राम कैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं होली पर हमें कौन सा नशा करना चाहिए, कौन सा नशा शुभ माना जाता है, कौन सा नशा बहुत अच्छा और बढ़िया है, कौन सा नशा करने से हमें हमारे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा, खासकर वो फायदा ही फायदा करेगा। जैसे कि हमारे सामने आपके सामने रखा जाएगा पांच नशा के बारे में बताया जाएगा, जिसमें तंबाकू, गुटखा, भांग, गांजा, दारू, बियर। तो होली पर हमें इनमें से कौन सा नशा करना चाहिए, कौन सा नशा शुभ है, अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ऐसा अगर हम नशा करते हैं इसमें पांचों में से एक ऐसा कौन सा नशा है जिससे कि हमारे घर में बरकत बनी रहेगी, बहुत जो है पूरा साल हमारा अच्छा जाएगा। तो सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कर दीजिए लाइक, पैसा नहीं लगता, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मन में सवाल है तो कमेंट करना न भूलें। तो देखिए कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो लास्ट तक टिके रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं पहला नशा, तंबाकू गुटखा। देखो तंबाकू और गुटखा एक ही नशा है, क्योंकि तंबाकू गुटखा में भी डालकर खाया जाता है। कुछ लोग गुटखा वैसे भी खाते हैं बिना तंबाकू के, और तंबाकू तंबाकू होता है। कुछ लोग घिस के खाते हैं, कुछ लोग गुटके में डालकर खाते हैं। तरह तरह के चीजों से वो खाया जाता है, तरह तरह के तरीका अपनाया जाता है। तो ये तंबाकू और गुटखा, ये दोनों तो बहुत ही खराब और खतरनाक नशा है। आपको स्लो बहुत धीमा नुकसान करेंगे, लेकिन बहुत घातक हैं। इनका नशा तो भूल कर भी मत करना, अन्यथा आपको कई समस्या देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि घबराहट होना और भूख कम हो जाना, शरीर अंदर से कमजोर होना, धीरे धीरे शरीर का सूखना, या आप जितना भी कुछ खा रहे हैं मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, आपके शरीर में काम न करना, बिल्कुल जो है दुबले पतले से रहना। अगर या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको दुबले पतले नहीं है तो बहुत भारी भरकम होंगे, चलने पर सांस फूलना, कोई मेहनत काम ना कर पाना, सुबह एक्सरसाइज करने की इच्छा ना करना, और तमाम ऐसे आपको समस्या देखने को मिल सकते हैं। बार बार पेशाब आना, तंबाकू खाने से बार बार ऐसा पेशाब आना भी देखने को मिला है। गला का सूखना भी इससे होता है जो लोग तंबाकू खाते हैं, और आंख में भी दिक्कत देखने को मिल सकती है, जैसे कि आंख से रोशनी कम हो जाना, आंख से आंसू या पानी आना, आंख में कीचड़ बहुत ज्यादा आना, इसके कारण भी हो सकता है। इससे आपका श्वास भी फूलेगा, ये एक बहुत खतरनाक नशा है, इसे तो छूना ही नहीं भूल करके भी। अब बात आती है दूसरा नशा। अब दूसरा नशा आता है भांग। देखिए भांग जो है कितने लोग खाए हैं कमेंट जरूर करिएगा, जीवन में कितनी बार खाए हैं और कितने लोग रोज खाते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम रोज खाते हैं कि या कभी खाते हैं, या हमने कब खाया है कि अभी कभी नहीं खाया है, बताइएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं भांग खाने का, भांग एक ऐसा नशा होता है जो सीधा दिमाग पे असर डालता है, सीधा दिमाग पे असर डालता है। कुछ लोग का कहना होता है, मानना भी होता है, कि आयुर्वेदों की किताबों में जो है लिखा हुआ है कि भांग खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी हमारे कई बीमारियों में काम आता है। तो देखिए कुछ चीजें हैं ऐसा जो बीमारियों में काम आ सकती हैं, लेकिन उसका एक मानक होगा, कुछ मात्रा होगी और एक समय होगा कि भाई इतना मात्रा इतना ले सकते हैं, इस हिसाब से हो सकता होगा कि फायदा हो। भांग जो है सीधे दिमाग पर असर करता है। अब भांग हमें हो सकता है भैया कि थोड़ा फायदा करे, लेकिन उसके पीछे जो नुकसान करता है उसे कोई नहीं बताएगा। तो देखिए जो भांग खाते हैं तो सीधा हमारे दिमाग पर असर करता है, धीरे धीरे हमारा दिमाग को शून्य करता चला जाता है। जब भी भांग खा लेते हैं, अगर आप लेट गए, ऐसा लगता है खटिया जहां पर लेटे हैं वो चार पाई घूम रही है, या आपके दिमाग में आंख बंद है तो कुछ ऐसे गोला सा गुजगुज घूमता रहता है, गोल चक्कर की तरह गुजगुज करता रहता है, घूम घूम करता है, मतलब दिमाग में ऐसा दिखाई देता है कि कुछ घूम रहा है। और साथ ही साथ आपको भूख तो बहुत लगेगी, खाओगे, लेकिन क्या है, इसको खाने से, लगातार इसको खाने से आपको समस्या कई हो सकती है। ये खाने की वजह से कितने लोग नपुंसक भी हो चुके हैं भांग खाने से, और उनके दिमाग, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। कितने लोग थोड़े से शुरुआत करते हैं,
लेकिन धीरे धीरे एक बाल्टी लेकर भी बाल्टी भर के खाने लगते हैं, छोटे से शुरुआत करते हैं बाल्टी भर खाने लगते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है पूरा फाइल का फाइल 10 से 15 पैकेट डालकर इकट्ठा पीने लगते हैं। तो यही होता है कि बोलते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से थोड़ा थोड़ा लिया और उसका बढ़ना शुरू हो गया, इच्छा बढ़ने लगी और ज्यादा खाने लगा। तो देखिए भांग भी बहुत घातक और खतरनाक नशा है, इससे भी कितने लोग बेचारे पागल भी हो गए हैं, और कितने लोग का तो देखने को मिला है दिमाग भी कम हो सकता है और इससे शरीर कमजोर होगी, आपके स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि भांग पर भी लिखा रहता है कि ये भांग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो लाभदायक नहीं हो सकती, क्योंकि भांग बहुत तेजी से दिमाग पर असर डालता है। भविष्य में अगर कभी भांग आप खा लिए होंगे, ज्यादा हो जाता है, तो जामुन की पत्ती चबा लीजिए, नरम पत्तियां उतर जाएगी, लेकिन भांग मत खाना, बहुत ये भी खतरनाक है, इसका असर बहुत तेज होता है, आप ऐसे दिमाग पर असर करता है, वो दिमाग काम नहीं करेगा, समझ रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो बिल्कुल खराब है भांग, इसके चक्कर में पड़ना ही मत। तीसरा जो नशा आता है वो है गांजा। देखिए गांजा पीने से, लोग बोलते हैं गांजा पीने से काफी फायदा होते हैं, कई लोग फायदे गिना ले जाते हैं, लेकिन क्या है, अब इसके हम नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं कि किस तरह से नुकसान करता है। इसको पीने वाले अधिकतर खांसी ज्यादा आती है, कफ गिरता है, गला सूखना, या ऐसा भी देखने को मिला है कि बालों का भी झड़ना शुरू हो जाता है, टकले भी हो जाते हैं, और साथ ही साथ ये भी आपके श्वास को जो है दमा का बीमारी पकड़ सकती है, आपको फेफड़ा में दिक्कत हो सकता है, लीवर में दिक्कत हो सकता है, किडनी में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसका धुआं खींच कर पूरा शरीर में जाता है। तो हमारे शरीर जो बनावट है धुआं लेने के लिए नहीं बनी है, धुआं को अंदर करने के लिए नहीं बनी है, इसके लिए जो है ये नशा भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये शुरुआत में आपको नुकसान नहीं करेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे 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 जब आपको कब्जे में कर लेगा तब इसका नुकसान आपको समझ में आएगा कि ये गांजा जो है कितनी खतरनाक और कितने तरीके से आपको नुकसान कर रहा है, और धीरे धीरे आपका जो है अंदर का कोई इसे पाचन क्रिया वगैरह सब डैमेज हो जाएंगी और आप गंभीर बीमारी के शिकार हो जाएंगे। ये गांजा भी बहुत ही खतरा और खतरनाक है, इससे भी दूर रहिए। अब बचता है चौथा नशा, दारू। देखिए दारू भी काफी लोग पीते हैं, कुछ लोग का मानना होता है दारू पीना अच्छा होता है, थोड़ा पी लेते हैं बढ़िया लगता है, पीने से नींद आती है और पी लेते हैं थकान दूर हो जाती है। तो देखिए ऐसे में होता क्या है कि ये दारू जो है कई ब्रांड की होती हैं, कई कंपनियां की होती हैं, ब्रांड कुछ भी हो नशा तो वही होता है, नशा वही एक ही जैसा होता है, नशा नशा ही होता है। तो देखिए दारू पीने से भी काफ़ी लोगों देखा गया है कि इससे भी लीवर, किडनी, फेफड़े, अंदर के जो भी पार्ट हैं, किडनी हैं, सभी डैमेज हो गई और धीरे धीरे वो पूरी तरह से शरीर कमजोर हो गई। दारू पीने से कुछ लोग का मानना होता है कि खाना ज़्यादा खावाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दारू पीने से खाना आप नहीं खा पाएंगे। आप इतना दारू पी लेते हैं कि ऐसा लगता है कि हम खाना ज़्यादा खाएंगे, लेकिन आप थोड़ा ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। तो दारू पीने से कुछ खाना नहीं खवाता, और ये भी स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो जाएगा, खाना नहीं खाएंगे, धीरे धीरे फिर आपकी इतनी लत लग जाएगी कि बिना दारू पिए आप रह नहीं जाएंगे। बड़े बड़े राजा और महाराजाओं को भी देखा गया है कि इसी दारू जो बोतल आती है उसी के अंदर घुस गए, उसका जो पूरा खेत, प्रॉपर्टी, मकान सब कुछ चला गया उस बोतल में, लेकिन निकल नहीं पाए, सब कुछ बिक गया, लास्ट में वो भी चल बसे, ऐसा भी तो देखने को मिला है। और ऐसा भी हुआ है कि होली के दिन कितने लोगों, ऐसा भी बहुत पहले होता था कि लोगों को दारू पिलाकर उनका खेत लिखा लिया गया, उनका घर लिखा लिया गया, ऐसा ऐसा भी हुआ है। तो आपको शुरुआते में अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जब आपकी लत लग जाएगी दारू की, तब वही क्या है, आपको पीना ही पीना है, आप चाहे खेत बिक्री करें या आप कुछ भी करें, आपको कहीं ना कहीं से दारू चाहिए। कितना दारू पीने की वजह से कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया, उजड़ गए और बेकार हो गए।
कितने लड़ाई झगड़ा मारपीट भी शुरू कर देते हैं। चलिए तो हो गया, अभी बहुत ही खतरनाक में खतरनाक नशा है, इससे भी दूरी बनाकर रखिए। अब आ जाता है पांचवा सबसे लास्ट नशा, बियर। बियर बताया जाता है इसको पीने से बढ़िया होता है, और इसको पीने से कुछ लोग का मानना है कि बॉडी बनती है। तो देखिए, जो इसको पीते हैं उनके शरीर में भारी भारीपन देखने को मिलता है, और इसको पीने की वजह से कुछ हद तक, बोलते हैं लोग, कुछ हद तक ऐसा भी कहा जाता है कि बियर पीने से जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, और इससे हमारी बॉडी बन जाती है। लेकिन इसको पीने से क्या है, आपके शरीर में सूजन पन आ सकता है, या आपके शरीर भारी भारीपन हो सकता है, आपको वजन ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। और ऐसा भी देखा गया कि इसके अंदर भी अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। कुछ लोग का मानना है कि थोड़ा सा बियर पीते हैं तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा ही शुरू करते करते वो ज्यादा पीने लगते हैं, और फिर उनका एक रफ्तार हो जाता है। इसको जितना ही अच्छे बियर पीने से आपको शरीर का वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, और तेजी से आपका पेट भी निकल सकता है, जिससे बाद में आपको, जैसे आप लेटरिन करने जाएंगे तो सोचने के लिए आपका हाथ नहीं पहुंचेगा जहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपका पेट उतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा भी देखने को मिला है। तो इससे क्या है कि आपको दिक्कत समस्या हो सकती है। अधिक बियर पीने से आपकी जो लीवर है वो खराब हो सकता है, क्योंकि इसको भी वो हजम करने के लिए लीवर को ज्यादा मेहनत और काम करना पड़ता है, जिसके कारण लीवर खराब हो सकता है, और तमाम तरीके से आपको शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए, सब कुछ मिला करके होली के दिन आपको करना क्या है, कोई भी नशा नहीं करना है, बिल्कुल नशा मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, और ज्यादा खाओगे और बढ़िया से रहोगे। नशा नाश का कारण हमेशा रहा है। कितने लोग लास्ट तक टिके रहे हैं, नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पांच अगर आप लिख देंगे तो पांच तक पूरा देखे हैं, हमने बताया है कि नशा नाश का कारण है, तो पांच नंबर लिख करके नशा नाश का कारण जरूर लिख दीजिएगा। जो भी कमेंट पढ़ेंगे नीचे जाके, उनको भी लगेगा कि हाँ नशा नाश का कारण है, वो कभी नशा ना करें, नशा से मुक्ति रहें। ये नशा ऐसी चीजें हैं, आपके घर द्वार मकान खेत खलिहान सब बिक जाएगा, और आप भी एक दिन खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और लड़के बच्चे भीख मांगने के नौबत आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।